हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ले आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का होम मेनू, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में ओपन कर लीजिएगा, कोई भी वर्जन हो, 2010, 13, 16, 19, किसी भी वर्जन में आप ये काम कर सकते हैं, सेम है सब में। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लीजिएगा, और हम यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लिए हैं। अभी देखेंगे यहाँ कट और कॉपी हाईलाइट नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने मैटर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर कुछ मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, कट कर देते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है। हमने जैसे कट किया, हम कट कर दिए। अभी वो मैटर है क्लिपबोर्ड के अंदर। अभी जैसे हम उसको पेस्ट करेंगे तो मैटर आ जाएगा हमारे, जहाँ हम कर्सर रखे हैं वहाँ पर वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो पेस्ट जैसे हम करेंगे, देखेंगे ये मैटर वहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, तो पेस्ट होता है। यानी हमने कट किया तो पेस्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर से मैटर हुआ यहाँ नीचे आ गया, यानी ये मूव हो गया। ये होता है कट। अगर कट पेस्ट में एक चीज़ और देखा जाए, पेस्ट का होता है शॉर्टकट की कंट्रोल भी। पेस्ट में एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। अगर हम इसी को पेस्ट स्पेशल करते हैं, चलिए यहाँ कर्सर यहाँ देखते हैं, पेस्ट स्पेशल जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल सोर्स होते हैं, हम अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक फॉर्मेट में करते हैं, पहले वाले में। और जैसे हमने फॉर्मेट इस फॉर्मेट में पेस्ट किया और देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया, लेकिन एक बॉर्डर के अंतर्गत हुआ है। और इस बॉर्डर में अंतर ये होता है, अगर इसके हम आगे मैटर लिखने का प्रयास जब भी करेंगे तो हम मैटर लिख सकते हैं, लेकिन हम जो पेस्ट स्पेशल वाला मैटर है इसके अंतर्गत हम लिखने का जब भी प्रयास करेंगे तो मैटर हमारा डिलीट हो जाता है। ते अंतर होता है पेस्ट स्पेशल में। तो लेकिन एक कंडीशन है, इसके अंतर्गत हम मैटर लिख सकते हैं। इसको डबल क्लिक करिएगा, ये नए पेज में आके खुल जाएगा। अब यहाँ जो भी मैटर आप लिखना चाहेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे आप क्लोज करेंगे मैटर उसके अंतर्गत ऐड हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया है। ये होता है पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी यानी पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ मैटर को, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी, कॉपी कर लीजिए। शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है, और जहाँ आपको रखना होगा, चलिए हम इसके नीचे रखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो गया। तो देखेंगे ये मैटर बिल्कुल इसी के जैसा ये मैटर हो गया है, यानी ये कॉपी बिल्कुल सेम कॉपी हो जाता है। तो ये होता है कट और कॉपी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है। और इसका वर्क क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा मैटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल आई द्वारा इटैलिक कर देते हैं, कंट्रोल यू द्वारा अंडरलाइनिंग कर देते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का कलर, हम यहाँ पर थोड़ा इसको कलर भी कर देते हैं। और यहाँ एक आसन और मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, हम यहाँ से इसे हाईलाइट भी कर देते हैं कलर के द्वारा। अभी हमने इसके अंतर्गत जितना भी फॉर्मेट अप्लाई किया है, ये सारे फॉर्मेट हम चाहते हैं इन नीचे वाले पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाए, तो हमें कुछ करना नहीं होगा। बस थोड़ा सा इसे मैटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ फॉर्मेट पेंटर में आइएगा। और जैसे हम देखेंगे अभी हमारा ये जो कर्सर है एक ब्रश के जैसा बन गया है। अब इसे हम जिसको हम चाहते हैं जैसा ऊपर वाला है ऐसा ये भी हो जाए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जितना आप करेंगे उतना ही हो जाएगा। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अभी इसके अंतर्गत हम जितने भी फॉर्मेटिंग यूज किए हैं वो सारे हम फॉर्मेटिंग हमने एक ही क्लिक पर इस पर अप्लाई कर दिया, यानी इसको हमने बोल्ड भी किया है, इटैली भी किए हैं, अंडरलाइनिंग भी किए हैं, प्लस ये कलर बैकग्राउंड कलर भी दिए हैं, प्लस फॉन्ट कलर भी दिए हैं, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी दिए हैं। इतने सारे फॉर्मेट हम एक ही क्लिक पे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है फॉन्ट का। फॉन्ट में देखा जाए तो शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होता है, और यहाँ पर फॉन्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे फॉन्ट की एक गैलरी आ जाती है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी फॉन्ट में अपने मैटर को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे अभी हमारे पास हिंदी का ये सारे फॉन्ट हैं, हम हिंदी में भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं, चूँकि ये मैटर सेलेक्ट होना चाहिए तभी ये होगा। चलिए हम इसे थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं,
और इसका थोड़ा यहाँ कलर रिमूव कर देते हैं। चलिए हम यहाँ फॉन्ट को चेंज करते हैं। तो फॉन्ट हम यहाँ जैसे देखेंगे, हम यहाँ पर किसी भी फॉन्ट में हम अप्लाई करेंगे तो इसी प्रकार का हमारा फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो सारे फॉन्ट हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट अलग से भी इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे हिंदी का देखा जाए तो ये हिंदी का फॉन्ट है जो कृतिदेव का है। तो कृतिदेव में बहुत सारे फॉन्ट हैं। हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है 010 का होता है, तो हम इस फॉन्ट में भी अपने मेट्रो को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉन्ट होता है, फॉन्ट हम कोई भी फॉन्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि हम एरियल वगैरह यूज करते हैं, ज़्यादातर एरियल ब्लैक वगैरह भी यूज करते हैं। उसके नेक्स्ट हमारा साइज आता है। साइज की बात की जाती है, यहाँ से साइज को भी हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले होगा 72, अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन हम करते हैं तो मैक्सिमम इससे 1638 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। यानी फॉन्ट की साइज मैक्सिमम 1638 तक हम बढ़ा सकते हैं। ये होता है फॉन्ट की साइज को बढ़ाना। अगर उसी को कम करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, तो अगर हम प्रेस करेंगे तो ये कम हो जाएगा। मिनिमम 0 तक हम कर सकते हैं, हम मैक्सिमम 1638 तक बढ़ा सकते हैं फॉन्ट की साइज को। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं फॉन्ट की साइज को इंक्रीज डिक्रीज। और इस चीज़ को हम यहाँ पर एक दो बटन दिया गया है, और इन बटन के माध्यम से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से भी कम कर अधिक कर सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से भी हम फॉन्ट की साइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की अगर बात की जाए तो हम थोड़ा सा इसके फॉन्ट की साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। और अगर हम बीच में क्रॉस लाइन देना चाहते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस लाइन स्ट्राइक थ्रू जैसे हम देते हैं, एक क्रॉस लाइन पड़ जाएगा हमारे मैटर में। अब इसे हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट है ऑलरेडी, इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। तेजी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का कार्य होता है, आप देखे होंगे H2O लिखा होता है, ये एक सिंटेक्स है, सूत्र है जो जल का होता है। और यहाँ पर हम इसे टू को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पर लाकर क्लिक कर देंगे तो टू नीचे चला जाता है। तो ये सूत्र लिखने के काम आता है, तो सब स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पर भी सूत्र लिखने के काम आता है। ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको अगर लिखना है ऐसा सूत्र तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। हमने लिखा और टू को सेलेक्ट किया और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट की, जैसे हम क्लिक करेंगे ये ऊपर हो जाएगा टू। तो इस प्रकार हम दोनों सूत्र लिखने में इसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अगर इसके इसे देखा जाए तो आप अपने फॉन्ट को यहाँ से अलग अलग टाइपोग्राफी में चेंज कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी में आके देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉन्ट चेंज हो जाता है, देख सकते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ एक आउटलाइन में भी हम कर सकते हैं, और आउटलाइन का कलर वगैरह देना है दे सकते हैं। तो ये सारे हैं, और यहाँ पर ये वेट वगैरह भी दे सकते हैं, तो ऐसा भी हम बना सकते हैं। और ये डैश लाइन में भी हम दे सकते हैं, ये डैश लाइन में पड़ जाएगा। और यहाँ शैडो वगैरह देना है तो शैडो वगैरह भी दे सकते हैं, ये शैडो हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन यहाँ देख सकते हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन भी दिया जा सकता है। अगर हम इस रिफ्लेक्शन को अप्लाई करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक लाइनिंग का भी एक लाइनिंग बन गया है, ये भी हम देख सकते हैं। तो और भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, ग्लो करके हैं, ये ग्लो भी आप देख सकते हैं, तो ये ग्लो भी हो जाएगा आपके मैटर में अप्लाई। तो ऐसा मैटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसकी फॉन्ट की साइज को कम करते हैं। तो हम कर सकते हैं ये सारे ऑप्शन। और इसके अंतर्गत एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर ग्लो में, नंबर स्टाइल। ये नंबर स्टाइलों को भी दिया जा सकता है, यहाँ पर है नंबर स्टाइल, ये सारे नंबर स्टाइल हैं। तो चूंकि हम नंबर नहीं दिए हैं तो नंबर यहाँ नहीं काम करेगा। उसका ये लाइटनेस
लिंकचर करके है, तो इसको भी दिया जा सकता है। तो अभी ये नन है, स्टैंडर्ड ओनली पे देख सकते हैं, इनेबल पे काम करेगा ये। उसके बाद स्टाइल में देखा जाए तो स्टाइल है, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में हम यहाँ पर अपने मेट्रो को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हैं, हम कर सकते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज केस का। चेंज केस में भी ये देखा जाए तो आपका मैटर जो है सेंटेंस केस में, हम सेंटेंस केस के अलावा हम इसे लोअर केस में कर सकते हैं। तो सारे टोटल लोअर केस में हो जाएंगे, यानी सारे स्मॉल में हो जाएंगे। और अपर केस में करते हैं तो सारे कैपिटल में हो जाएंगे। अगर इसी को हम कैपिटलाइज करेंगे तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा पहला, बाकी सारे स्मॉल में हो जाएंगे उस वर्ड के। और टॉगल केस में करेंगे तो टॉगल में जाएंगे, यानी पहला स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल में हो जाएंगे। ये टॉगल केस में होता है। तो चलिए हम इसे सेंटेंस केस में कर देते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर आल फॉर्मेटिंग। अगर हम जैसे आल फॉर्मेटिंग करते हैं तो जितने भी हमने इसके अंतर्गत कलर वगैरह दिए रहेंगे ये सारा कलर रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो होता है आल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए एक बटन है। और यहाँ एक ऑप्शन और बता दिए हैं, ये जो टेक्स्ट हाईलाइट होता है हम इसे डायरेक्ट हाईलाइट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है यह फॉन्ट का कलर होता है, हम फॉन्ट का कलर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से फॉन्ट का जो भी कलर चाहिए यहाँ देख अप्लाई कर सकते हैं। तो था हमारे पास दो ऑप्शन, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। नेक्स्ट हम भाग में देखेंगे पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग, इन तीनों को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।